दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल होम डिजाइन ऑनलाइन में और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग एक रेसिडेंशियल हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जिसका हमने साइज रखा है विड्थ में 39 फीट और लेंथ में रखा है फ्रेंड्स 38 फीट, जिसमें कि हमने 4 BH का प्लान बनाया और आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया ढंग से प्लान बनाया गया है और इसमें हमने एक पोर्च का भी डिज़ाइन किया है जहाँ पे आप बाइक बाइसाइकिल को पार्क कर सकते हैं और इस प्लान में आपको वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। और इस प्लान को आप विलेज और सिटी दोनों में बनवा सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं, जो हमने पारापेट का डिज़ाइन किया है तो इसमें हमने ब्रिक वर्क और स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज किया है और आपका राइट साइड में विंडो का भी डिज़ाइन किया गया है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप फ्रंट में भी विंडो देख सकते हैं, इसका बहुत ही बढ़िया ढंग से डिज़ाइन किया गया है और इस प्लान में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलने वाला है। और इस प्लान में हमने लेफ्ट साइड में भी विंडो का एडजस्टमेंट किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आपको लेकर चलते हैं घर के अंदर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो हमने पोर्च एरिया का डिज़ाइन किया है तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्पेस मिलेगा। और पोर्च एरिया के अंदर ही हमने स्टेयर का डिज़ाइन किया है और रैंप का भी डिज़ाइन किया है, ताकि आप अपना बाइक बाइसिकल सिटिंग एरिया में भी पार्क कर सकते हैं। और सिटिंग एरिया में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी गेस्ट आते हैं तो बैठ सकते हैं। और ये बाहर का लुक है सिटिंग एरिया की तरफ से। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एक विंडो हमने सिटिंग एरिया की तरफ दिया, ताकि आपका हॉल में भी काफ़ी बढ़िया लाइटिंग और नेचर एयर मिलता रहे। ये आपका हॉल है जहाँ पे हम डाइनिंग टेबल का एडजस्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सोफ़ा वगैरह को भी डाल सकते हैं और काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिल रहा है डाइनिंग में भी। और ये फ्रेंड्स आपका हॉल है, तो आप देख सकते हैं हॉल भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे स्पेस और नेचर लाइट और एयर मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी इस टाइप का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। तो आप फर्स्ट बेडरूम में भी देखेंगे कि फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पे आपको बढ़िया स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे हमने जो वॉल में यूज किया है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने पेंट और डेकोरेटिव जो वॉलपेपर होता है उसका यूज किया है। और यह फ्रेंड्स जो प्लान हमने बनाया है काफ़ी स्पेशियस प्लान है। हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स सेकेंड बेडरूम में। तो सेकेंड बेडरूम में भी आप देखेंगे कि फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिलेगा। और इस प्लान में या इस बेडरूम में आपको कहीं से भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप का प्लान बनवाना चाहते हैं या आप इस टाइप का डिज़ाइन लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज, तो आपको कस्टमाइज भी मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक मंदिर का भी डिज़ाइन किया है इस घर में। हम आपको लेकर चलते हैं कॉमन टॉयलेट प्लस बाथ में। तो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स कॉमन टॉयलेट प्लस बाथ जो इस घर का हमने बनाया है, तो इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है। और फ्रेंड्स आपको यह जो प्लान हमने बना कर दिखाया है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर कोई भी आपके फैमिली या जो आपका फ्रेंड है, अगर उनको घर बनवाने का सोच रहे हो तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं जो हमारा थर्ड बेडरूम है, तो उसमें चलते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो इस प्लान का थर्ड बेडरूम है, तो इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है और वेंटिलेशन का इसमें भी प्रॉब्लम नहीं मिले होगा फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको स्पेस है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस टाइप का सेम अगर घर बनवाना चाहते हैं तो इसमें जो आपका खर्च हो जाएंगे वो लगभग 15 से 20 लाख तक हो जाएंगे इसमें आपका फुल इंटीरियर और पेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस घर का मंदिर दिखाते हैं आपको। इस घर में मंदिर भी काफ़ी बढ़िया है और मीडियम टाइप का मंदिर है, जो कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका मंदिर हो गया इस घर का, जो कि इसका गेट हमने हॉल में ही दिया है। अब फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं किचन के तरफ, तो आप देखेंगे कि किचन में भी काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिलेगा। और किचन का जो हमने काउंटर का डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल है। और सिंपल इसीलिए डिज़ाइन किया है ताकि आपका बजट के अकॉर्डिंग काम हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने वॉल में टाइल का यूज किया है। फ्रेंड्स, हम लोग फोर्थ बेडरूम में चलते हैं, तो फोर्थ बेडरूम में भी आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिलेगा। और फोर्थ बेडरूम में भी आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग स्टेयर केस के जरिए चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी देखेंगे काफ़ी बढ़िया आपको स्पेस मिलेगा। और ये जो आप यहाँ पे स्टेयर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो हमने विड्थ रखा है 3 फीट रखा है और 2 स्टेप में हमने स्टेयर को डिजाइन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को होम डिज़ाइन ऑनलाइन का वीडियो बढ़िया लगता होगा। अगर बढ़िया लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।